में बसंत नाम का बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसकी 2 वर्षीय बेटी जन्मजात गूंगी थी। एक दिन जब बसंत घर आया तो उसकी पत्नी झुमरी बुरी तरह से खांस रही थी। झुमरी, झुमरी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने आज दवाई नहीं खाई? शायद आपने देखा नहीं कि दवाई को तो खत्म हुए पूरे 2 दिन हो गए। मैं दुनिया का सबसे ज्यादा लाचार पति और पिता हूँ झुमरी, जो अपनी पत्नी का सही से इलाज भी नहीं करा सकता। उदास मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। धन स्त्री के नसीब का होता है, मेरा ही नसीब फूटा था, वरना आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझसे एक वादा कीजिए। कैसा वादा झुमरी? मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है, जब आप मुझे डॉक्टर के यहाँ पर लेकर गए थे तो उसने कहा था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं, मेरे फेफड़े खराब हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहते झुमरी, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं, मुझसे एक वादा कीजिए। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, उसे कभी नहीं डांटेंगे। मैं वादा करता हूँ। झुमरी अपने बगल में लेटी हुई अपनी 2 वर्षीय पुत्री को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। झुमरी ने उसे देखते ही देखते दम तोड़ दिया। बसंत फूट फूट कर रोने लगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत चुके थे। बसंत की पुत्री चमकी अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। बसंत गांव के जमींदार कल्लन की हवेली में साफ सफाई का काम करने लगा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी सेठ जी। अच्छा, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि गांव का एक भिखारी मुझसे बात करना चाहता है, जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता है। चल, जल्दी बोल, क्या बात करनी है? सेठ जी, मुझे 200 रुपए की बहुत जरूरत है। 200 रुपए में कितने जीरो होते हैं तुझे पता है? तेरे बाप दादा ने भी 200 रुपए कभी देखे हैं क्या? वैसे तुझे क्या जरूरत आ पड़ी वही पैसों की? मेरी बिटिया 2 दिन से बुखार से तप रही है, उसकी दवाई लानी थी। तुम गरीबों को बुखार में दवाई नहीं खानी चाहिए। अपनी बेटी के शरीर पर गीली पट्टियां रख दे, बुखार उतर जाएगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं आपका हर कहना मानता हूँ। अगर आप बोलते हैं कि तपती दोपहर में सारा दिन मुझे खेतों की रखवाली करनी है, तो मैं सारा दिन धूप में ही रहता हूँ और आपसे कभी पैसे नहीं मांगता। बिटिया को 2 दिन से बुखार है, सिर्फ उसकी दवाई के लिए ही पैसे मांग रहा हूँ। ये सुनते ही जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों रे, हैं? तुझे जो खाने को मिलता है वो क्या कम है, हैं? कि अब तू पैसे भी मांगने लगा? अगर तेरी औकात उसकी दवाई खरीदने की भी नहीं थी तो बच्ची पैदा क्यों की रे तूने, हैं? अरे पैदा होते ही उस समय उसे किसी कूड़े के ढेर में डाल देता। जमींदार की बात सुनकर बसंत की आंखों में से आंसू आ गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैंने बरसों आपकी गुलामी की है, आज पहली बार मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे हैं, वो भी बिटिया की दवाई के लिए। नमक हराम, जुबान लड़ाता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू टीबी का मरीज है? तेरे अंदर कोई काम करने की ताकत ही नहीं है। एक तो तुझे खाने को भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए, ऊपर से तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, निकल जा यहां से, निकल जा। ये बिल्कुल गलत बात है सेठ जी। ईश्वर ने आपको इतना ढेर सारा धन दिया है, आपको एक गरीब को अपमानित करते हुए शर्म नहीं आती? अरे मैंने अपनी गुलामी के बदले आपसे क्या मांगा है? सिर्फ 200 रुपए। 200 रुपए के लिए आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं अपनी बेटी को पैदा होते ही किसी कूड़ेदान के ढेर में फेंक देता। गरीब की हाय में बहुत ताकत होती है सेठ जी। गरीब के दिल से निकली हुई हाय बड़े बड़े महलों को चुटकियों में धराशायी कर देती है, बड़े बड़े रईसों को चुटकी में भिखारी बना देती है। बसंत की बात सुनकर जमींदार ने लातों और घूंसे से बसंत को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया और उसे धक्के मारकर अपनी कोठी से बाहर निकाल दिया। बसंत दर्द से कराहता हुआ अपने घर चला जाता है। अपने पिता को दर्द से कराहता हुआ देख चमकी तुरंत दौड़ी दौड़ी आई
और वह इशारों इशारों में बसंत से पूछने लगी, ये क्या हुआ पिताजी? मैंने तेरी दवाई के लिए सेठ जी से कुछ पैसे मांगे थे बिटिया, लेकिन सेठ जी ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बदले मुझे उसने अपमानित करके मार पीट कर अपनी हवेली से बाहर भगा दिया। बसंत की बात सुनकर चंकी की आंखों में आंसू आ गए और उसने इशारों इशारों से अपने पिता से कहा, मेरा बुखार सही हो गया है पिताजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। चंकी की बात सुनकर बसंत फूट फूट कर रोने लगा। सेठ जी ने मुझे काम से भी निकाल दिया, मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रही है, तुझे अभी भी बुखार है और तुझे भूख भी लगी है। बसंत रोते रोते सो गया और चमकी भी। सुबह चमकी ने अपने पिता को बहुत उठाया मगर बसंत नहीं उठा। चमकी घबरा कर बाहर भागी तो बाहर गांव के मुखिया के साथ कुछ व्यक्ति खड़े थे। चमकी को घबराया देख वो लोग झोपड़ी में आ गए। अरे ये तो बसंत है, इसको क्या हुआ? मुखिया के बगल में खड़ा हुआ बल्ली तुरंत बसंत के शरीर को हिला डुला कर देखने लगा। मुखिया जी ये तो मर चुका है और मुझे तो लगता है कि इसे मरे हुए तो काफी घंटे हो चुके हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ बल्ली, इस बेचारी गूंगी लड़की का सिर्फ यही तो एक सहारा था। इसके शरीर पर तो चोटों के काफी निशान भी है मुखिया जी, ऐसा लगता है जैसे कि बसंत को किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। बसंत तो जमींदार कल्लन के यहाँ पर काम करता था और कल्लन की क्रूरता के बारे में तो गांव का हर व्यक्ति जानता है, जरूर उस निर्दयी ने ही इस बेचारे को पीटा होगा। मैंने इतना क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा मुखिया जी, उस निर्दयी जमींदार को इस बेचारी बच्ची पर भी तरस नहीं आया, उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर बसंत को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। तुम तो जानते ही हो कि जमींदार की उठक बैठक पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों में है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, इसी बात का वो आज तक फायदा उठाता आया है। अरे हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर ही उसे सजा देगा भैया। जो भी हो मुखिया जी, इस बेचारी गूंगी बिटिया की माँ तो 12 वर्ष पहले ही स्वर्ग से धार गई, ऊपर से बेचारा इसका पिता भी मर गया, अब ये अनाथ कहाँ जाएगी। बल्ली की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, इस बच्ची की परवरिश कोई और नहीं बल्कि जमींदार ही करेगा बल्ली, चलो मेरे साथ। मुखिया चमकी को लेकर सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। क्या बात है मुखिया जी, आज सुबह सुबह गांव के व्यक्तियों के साथ यहाँ कैसे, सब कुछ ठीक तो है? आपके यहाँ पर बसंत बरसों से काम करता था, कल रात उसकी मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने बसंत को कभी भी नौकर नहीं समझा। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि आप दिल के कितने अच्छे हैं, लेकिन बल्ली ने देखा है कि बसंत के शरीर पर चोटों के काफी निशान हैं। अभी हमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है, सोच रहे हैं कि हम बसंत की लाश को पुलिस के सुपुर्द कर दें, पोस्टमार्टम से खुलासा हो जाएगा कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई। ये सुनकर जमींदार घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि उसने बसंत को कितनी बुरी तरीके से पीटा था। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, पुलिस के पास जाकर क्या करेंगे आप, बसंत का अंतिम संस्कार मैं करूंगा, और जहां तक सवाल उसकी बिटिया चमकी का है तो आज से उसकी परवरिश मैं करूंगा, उसे कभी भी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जमींदार की बात सुनकर मुखिया व्यंगात्मक हंसी हंसते हुए बोला, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, हम हर महीने चमकी बिटिया का हालचाल लेने आते रहेंगे। इतना कहकर मुखिया चमकी को छोड़कर वहां से चला गया। चमकी अच्छी तरह से जानती थी कि जमींदार झूठ बोल रहा था। क्या जरूरत थी उस मुखिया के सामने अपनी बड़ाई पेश करने की, बसंत हमारे लिए क्या कम मुसीबत था कि एक और मुसीबत इस गूंगी को हमारे सर पर छोड़ गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अनीता, अगर मुखिया को जरा सा भी शक हो जाता कि बसंत को मैंने बुरी तरह से पीटा था तो वह बसंत की लाश को पुलिस के हवाले कर देता, अगर बसंत का पोस्टमार्टम हो जाता तो हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और सब जेल की चक्की पीस रहे होते, जरा दिमाग से भी काम लिया करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस गूंगी का क्या करना है? अरे हमारी हवेली में 100 काम होते हैं,
ये भी बसंत की तरह हमारी हवेली में गुलामी ही करेगी। एक तीर से दो निशाने करने का शौक आपका नहीं गया? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अरे सीधी सी बात है, गांव वालों की नजर में आप इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं, मगर हमें तो बैठे बिठाए बसंत के मरने के बाद एक नई गुलाम मिल गई, वो भी ऐसी गुलाम जो बोल ही नहीं सकती। कुछ दिन बाद अनीता की बहन सुनीता वहां रहने के लिए आई। अनीता जरा दिमाग से काम लो, इस लड़की का कुछ करो, कुछ सालों बाद ये गूंगी जवान हो जाएगी, गांव वाले वैसे भी से तुम्हारे मत्थे मड़ गए हैं, कहीं तुम्हें इसके हाथ भी पीले ना करने पड़ जाएं। मैं भी काफी समय से यही बात सोच रही थी सुनीता, लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसका भी उपाय निकाल लिया है, ऐसा उपाय कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक दिन सुनीता और अनीता ने एक कमरे में चमकी को बंद कर दिया। चमकी वहाँ दो दिन तक भूखी और प्यासी बैठी रही। अचानक रात के समय चमकी की आँख खुल गई। उस कमरे के अंदर रोशनी की किरणें फूट रही थी। उन किरणों से एक रहस्यमयी स्त्री निकलकर बाहर आ गई। घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ, इन अत्याचारियों ने तुझ पर और तेरे पिता पर कैसे कैसे अत्याचार किए हैं। तेरे पिता को जमींदार ने कितनी बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। अचानक चमकी को अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। चमकी, अब तुम गूंगी नहीं रही, अब तुम बोल सकती हो। ये कैसे हो सकता है, मैं तो जन्मजात गूंगी हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ, और आप कौन हो? कुछ समय बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझे ये भी पता है कि इन सब निर्दयी लोगों ने तुम्हें दो दिन से भूखा रखा है। हाँ, इन लोगों ने दो दिन से कुछ भी खाने को नहीं दिया। उस रहस्यमय स्त्री ने अपना जादू से चमकी के सब मनपसंद व्यंजन चमकी के सामने रख दिए। चमकी ने पेट भरकर खाना खाया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। चलो जरा चलकर देखते हैं। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक तो वो नास पीटी गूंगी बहरी मर गई होगी। अनीता और सुनीता ने जैसे ही कमरे के दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा कि चमकी नए कपड़े पहने हुए कुर्सी पर आराम से बैठी हुई केला खा रही थी। अरे अनीता, हम लोग तो समझ रहे थे कि ये मर गई होगी, मगर ये तो आराम से बैठ के केला खा रही है। वो सब तो सही है सुनीता, लेकिन इसके पास ये केला कहाँ से आया? ये कमरा तो बरसों से बंद पड़ा है। ए लड़की, सीधी तरह से बता दे तुझे केला किसने दिया, हमने तो इस कमरे के बाहर ताला लगा दिया था, कौन आया था हमारे पीछे? ये क्या बोल रही हो सुनीता, ये तो गूंगी और बहरी है, ये क्या बताएगी? अरे इशारों से तो बता सकती है ना। इसे एक जादुई स्त्री ने मुझे दिया है। चमकी को बोलता दे अनीता और सुनीता को चक्कर आ गए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है, गूंगी है लेकिन ये तो बोल रही है। अरे काहे को घबराती है तू, जरा जरा सी बात पे डर जाती है, जरूर ये लड़की नाटक कर रही होगी, कोई गूंगी उंगी नहीं है ये, क्या भला कोई जन्मजात गूंगा बोल सकता है। ए लड़की, अब इस केले को खाना बंद कर और सीधी तरह से बाहर आ जा। चमकी उस रहस्यमय जादुई स्त्री की ओर देख रही थी। वो रहस्यमय स्त्री सिर्फ चमकी को दिखाई दे रही थी। उस रहस्यमय स्त्री ने चमकी को उन दोनों के साथ जाने का इशारा कर दिया। चमकी अनीता और सुनीता के साथ चली गई। चल जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ, बहुत जोरों से प्यास लगी है। सुनीता ने यह कहा ही था कि जग अपने आप उठकर सुनीता के पास आ गया। यह देखकर सुनीता की चीख निकल गई। सुनीता की चीख सुनकर अनीता दौड़ी दौड़ी सुनीता के पास आई। क्या हुआ बहन, चिल्लाई क्यों? भूत, भूत, ये लड़की भूत बन गई है। क्या बकवास कर रही हो सुनीता, कुछ देर पहले तो तुम बड़ी बहादुर बन रही थी, झांसी की रानी जैसी बातें कर रही थी, और अब सूखे पेड़ की तरह थर थर कांप रही हो। मैं अभी इस लड़की को सबक सिखाती हूँ। अनीता चमकी को माने जैसे ही दौड़ी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया हो। अरे मेरा पैर किसने पकड़ा? पैर उसी रहस्यमयी स्त्री ने पकड़ा था, मगर वह उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। उस रहस्यमयी स्त्री ने अनीता को उठाकर फर्श पर पटक दिया। अनीता दर्द से चीख उठी कर बाहर की तरफ भागी और जमींदार से जा टकराई। क्या बात है सुनीता बहन, बहुत घबराई हुई हो तुम। अरे वो जो गूंगी और बहरी लड़की को तुमने रखा है ना, वो लड़की बोल रही है वो भूत बन चुकी है, पानी अपने आप चलकर आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? क्या नाप शनाप बके जा रही हो तुम है? जरूर उस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। जमींदार कमरे में गया तो देखा उसकी पत्नी फर्श पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी।
कि अचानक कमरे में रखा हुआ डंडा खुद ब खुद जमींदार को बुरी तरीके से पीटने लगा। ये कैसे हो सकता है? डंडा अपने आप मुझे कैसे मार सकता है? ये तो वही डंडा है जिससे मैंने बसंत को बड़ी बेदर्दी से मारा था। कुछ देर में जमींदार का शरीर रक्त से लथपथ हो गया। मुझे माफ कर दो चमकी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे पिता बसंत के साथ बहुत गलत किया। मैंने उस बेचारे को इसी डंडे से बुरी तरह पीटा था, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। इस डंडे को किसी भी तरह से रोक दो, मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा है। तभी एक और डंडा उड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। वह दोनों डंडे सुनीता जमींदार और अनीता को भी बुरी तरीके से पीटने लगा। हाय रे, मर गई रे, बहुत दर्द हो रहा है। हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। अरे सुनीता बहन, मैं तुमसे बोल रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं चमकी भूत तो नहीं बन गई? तभी अचानक वह दोनों डंडे रुक गए और देखते ही देखते वह झुमरी के रूप में परिवर्तित हो गई। तभी एक तेज रोशनी फूटी और उस रोशनी में बसंत निकलकर झुमरी के बगल आकर खड़ा हो गया। बसंत को देखकर चमकी पूरी तरीके से चौंक गई। पिताजी आप? हाँ बिटिया, ये मैं हूँ। और ये रहस्यमय स्त्री कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ है। चमकी रोती हुई झुमकी से जाकर लिपट गई। अब वह सब लोग झुमकी और बसंत को देख सकते थे। झुमरी और बसंत, तुम दोनों तो मर चुके हो, फिर तुम जीवित कैसे हो सकते हो? हाँ तूने सही कहा पापी, मैं मर चुका था, लेकिन तूने और तेरी पत्नी ने मिलकर मेरी बेटी पर इतने अत्याचार किए कि मुझे और मेरी पत्नी को इस दुनिया में दोबारा आना ही पड़ा। हम दोनों की आत्माएं तड़प उठी। हमें क्षमा कर दो, मुझे भी माफ कर दो, हम चमकी को अब कभी तंग नहीं करेंगे। नहीं, मैं तुम तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों ने मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। तभी वहाँ पर मुखिया बहुत से गांव के लोगों को लेकर आ गया। सभी गांव वाले हैरत से झुमरी और बसंत की ओर देखने लगे। अब इन्हें छोड़ दो, आज से चमकी मेरी बिटिया है, इन्हें इनके किए की सजा कानून देगा। नहीं मुखिया जी, ये तीनों पापी अपने पैसे के दम पर फिर से बाहर आ जाएंगे और फिर से मुझ जैसे गरीबों को मारेंगे और उनके बच्चों पर अत्याचार करेंगे। ये तीनों इंसान के नाम पर कलंक हैं। इन तीनों ने गरीबों पर अत्याचार करने की हद पार कर दी है, इन तीनों की मौत निश्चित है। झुमरी और बसंत ने अपना हाथ आगे की ओर कर दिया। उनके हाथ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते जमींदार सुनीता और अनीता जलकर भस्म हो गए। चमकी की परवरिश गांव का मुखिया अपनी बेटी की तरह करने लगा।